अस्सलाम वालेकुम सर, और बाकी तमाम हजरात भी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज़ में हमें शाकिला का तसव्वुर समझाया, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई है। आपकी इजाज़त से मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने की जिसारत करना चाहता हूँ। एक तो वो ये कि शाकिला का जो तसव्वुर आपने दिया कि शाकिला जो है वो हमारा रहने का अंदाज़ डेवलप जो हो जाता है शुरू के 7 साल में, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसकी बेस पे फिर मेजॉरिटी हमारी ज़िंदगी की जो पैटर्न रहता है 95% ऑफ़ द टाइम, जिससे हम अनकॉन्शियस रहते हैं। तो शाकिला एक लेवल तो हमारा फिज़िकल लेवल भी है, जो हमारी बॉडी का सांचा है जिस पे हमारी बॉडी डेवलप होती है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं पैटर्न, जिस पे हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो आपने बताया, जो कि 95% ऑफ़ द टाइम होता है। और ये सिर्फ शुरू के 7 साल पे ही डिपेंडेंट नहीं होता कि शुरू के 7 साल में जो कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया, बल्कि ये आज की तहकीक बता रही होती कि इससे भी पीछे जनरेशन्स में तक में जाता है। जैसे कि अगर कोई परदादा ने कोई इवेंट एक्सपीरियंस किया और उसकी बेस पे उनका कोई बिहेवियर डेवलप हुआ है, और वो इतना इंटेंस है कि जो इंग्रेव्ड हो गया है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन औलादों में, जिसे हम हॉट पोटैटो भी कहते हैं। तो इसको तब्दील करने का आपने एक तरीका तो जो बताया वो ये कि कोई ट्रॉमा इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि ट्रॉमा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि वो इंसान कोई सोया हुआ है और उसे झंझोड़ के जगा दिया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, उसे उसका खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। इसीलिए इंसान को अपना आप सही लग रहा होता है, तब्दील करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होता, अवेक ही नहीं होता, और ट्रॉमा अमूमन उसे झंझोड़ के हिला के जगा देता है, और उसको एहसास होता है कि मैं किस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजार रहा था। और दूसरा जो तरीका आपने बताया वो है ना जिक्र का था, रेपिटेशन का, जिसकी साइंस जो है वो कुछ इस तरह से समझ आती है कि इंसान जो है वो जब कोई जिक्र करता है तो उसकी जो ज़बान है वो उसके तालू से, पैलेट से टकराती है ख़ास अंदाज़ में, ख़ास रेपिटेशन से, और उस रेपिटेशन से जो है एक वाइब्रेशन, एक इर्तियाज डेवलप होता है, और उसकी बेस पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे ब्रेन्स के कुछ पार्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे हमें अपने शाकिला को तब्दील करने में आसानी हो जाती है। ये उसका एक एस्पेक्ट है, और उसके साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है जो लाजमी है वो है अमल का, कि अमल ज़रूरी उसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि इंसान जिक्र कर रहा हो और जिक्र को फिर उसको अमल में यूटिलाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी डेवलप हो रही होती है, और अगर वो एनर्जी सही उसमें इस्तेमाल ना हो तो फिर उसमें भी जो है वो कुछ ख़तरात लाहक हो जाते हैं। तो जब इंसान ये जिक्र कर रहा होता है तो उसके साथ अमल जो है वो कोशिश करना कि वो अपने शाकिला पे काम करे बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। तो शाकिला का बेहतर बनाना, तब्दील करना, ये तो इसका एक लेवल हो जाता है, मगर इसका एक दूसरा लेवल भी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। कि जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ऊपर एक आयत में भी आई है बात, कि जहाँ दीनदार बेजार होता है वहाँ मोमिन सब्र करता है, और जहाँ मोमिन सब्र करता है वहाँ मुकर्रब जो है वो शुक्र अदा करता है। तो शाकिला को तब्दील करना वो तो मोमिन का काम है, वो बेहतर करने की कोशिश करता है, मगर वही बात कि मुकर्रब जो होगा ना, वो शाकिला को तब्दील करने के बजाय वो अपना शाकिला ही तोड़ देता है। फिर उसका अपना कोई फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और ईगो लेवल नहीं होता। और जब इंसान का अपना कोई मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और ईगो लेवल नहीं होता, तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो है हकीकत। फिर वही मौजूद होता है और वही वजूद होता है। तो ये चीज़ जो है वो मुकर्रब के लेवल में आ जाती है, और यही चीज़ जो है हम कोशिश भी कर रहे हैं अपने एक कोर्स में जो मैं करवा रहा हूँ एम्पावरिंग मेडिटेशन के नाम से, उसमें ये चीज़ सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने सीखा भी है, जहाँ इंसान अपने पैटर्न्स को छोड़ देता है और फिर हकीकत को सामने आने देता है और उसको एक्सेप्ट करता है। इंशाल्लाह रमज़ान, अभी एक बैच हमारा कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दोबारा स्टार्ट होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने
चाह के शेयर करूँ अपने ग्रुप मेंबर।